इसके लिए? निकल अच्छी बैठक हुई है, मैं आदरणीय हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं वेणुगोपाल जी, उनसे मिला हूं और बहुत से मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है हिमाचल के संदर्भ में। और निश्चित तौर से जो ये पूरा मसला था, इस विषय में भी मैंने उनसे बात करी है और मैंने उनको पूरा विश्वास दिया है कि जो पार्टी का डायरेक्टिव्स है उसको फॉलो करना ये हमारा परम दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है और हम निश्चित तौर से पार्टी के कर्मठ सिपाही है और उसको फॉलो करना हमारा परम दायित्व है, जिम्मेवारी है। मगर उसके साथ साथ मैंने उनको ये भी जरूर कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो पिछले काफी समय से जो ये पूरा एक विवाद चला हुआ था उसको ठीक करने के लिए सरकार पूरे तरीके से प्रयास कर रही है, मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं और जो ये एक वेंडिंग जोन्स का इसमें मसला है इसके लिए एक बॉडी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है जिसमें मल्टी पार्टी बॉडी है, वो इस चीज को देखेगी और किस तरीके से वेंडिंग होनी है आने वाले समय में, क्योंकि इसमें पहले भी हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के कई इसमें डायरेक्टिव्स है सरकार को कि इसको एक फेज्ड मैनर में लागू किया जाए। हमारा खुद का एक जो है वेंडिंग एक्ट बना हुआ है 2016 का, तो निश्चित तौर से वो आने वाले समय में कैसे उसको लागू करना है, किस तरीके से होना है, उस पर सबके विचार लिए जाएंगे। हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और प्रदेश में किसी भी कोने से, देश के किसी भी कोने से कोई भी हिमाचल में आ सकता है, उनका स्वागत है। मगर निश्चित तौर से प्रदेश की जो आंतरिक सुरक्षा है, प्रदेश की जो लोगों के, स्थानीय लोगों के कंसर्न्स है, उसका ध्यान रखना भी सरकार की जिम्मेवारी है और इस चीज के बारे में मैंने पार्टी हाईकमांड को कहा है कि इसके ऊपर सरकार मिलकर, पार्टी हाईकमांड के साथ मिलकर इसके ऊपर कार्य करेगी, क्योंकि हिमाचल के हितों की रक्षा करना और लोगों के कंसर्न्स को एड्रेस करना ये भी हमारा परम दायित्व बनता है और इन दोनों चीजों के बारे में मैंने पार्टी हाईकमांड को अवगत करवाया है और मिलकर हम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की पॉलिसीज को भी इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके साथ साथ जो हिमाचल के लोगों की पैरवी है, हिमाचल के लोगों के हितों की रक्षा है, उसको करना भी हमारा दायित्व बनता है। ये बात मैंने पार्टी हाईकमांड को, आदरणीय वेणुगोपाल जी को कही है और उन्होंने उस बात को माना है, स्वीकारा है, तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। सर, ये जो रूमर्स चल रहे हैं कि आप इस्तीफा देंगे, दिस इज चंडू खाने की खबरें हैं और उसके ऊपर ना तो आपको जाना चाहिए और ना मुझे उसके ऊपर रिएक्ट करने की आवश्यकता है।